हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस को यूट्यूब सर्च में किस तरह से ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वीडियो अगर आपकी यूट्यूब सर्च में आती है तभी जाके आपकी वीडियो धीरे धीरे करके वायरल होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको अपनी वीडियो में अच्छे टाइटल देने चाहिए, अच्छे टैग देने चाहिए, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, यानी कि इसका मेन रीज़न क्या है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको कहाँ पे ऐसा है कि वीडियो अपलोड करते टाइम फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी वीडियो सर्चिंग बार में आ जाए। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको अपनी कुछ वीडियो दिखा देता हूँ जो कि अभी मेरी वीडियो सर्चिंग बार में आ जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो में उतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन अगर सर्चिंग बार पे आती है और वहाँ से लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है देखने में, तो अपने आप धीरे धीरे उसमें व्यूज़ आएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, वायरल एकदम वही वीडियो होती है जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा होता है। अगर हम ऐसे कोई भी वीडियो बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं, वीडियोज़ किसी भी ऐसे, मान लीजिए यूट्यूब के कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं जो कि अभी इतना ट्रेंड नहीं है, हाँ धीरे धीरे मतलब वो चलते रहता है, 10% 15% वो हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो ऐसी वीडियो एकदम वायरल नहीं होती है। धीरे 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 6 महीने, साल भर, 1 साल ऐसे में वायरल होती है, यानी कि इनमें 1 साल में आप देखोगे इसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे व्यूज होते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो क्वालिटी पे और आपके जो उसमें आपने बताया है, आपके समझाने पे, जितना आपका बताने का वैन के और आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी उतनी आपकी वीडियो अच्छी रैंक करेगी। और जैसे कि आपको मैं बता दूँ, जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर आपकी वीडियो YouTube सर्च बार में आ भी जाती है, जैसे कि सर्च बार में आने के बाद किसी बंदे ने आपकी वीडियो पूरी देखी है, तो समझिए उसके बाद आपकी वीडियो धीरे धीरे रैंक करते रहेगी। अगर उसने आपकी वीडियो सर्च बार में सर्च करके देखा और आधे में कट कर दिया, तो आपकी वीडियो रैंक करना बंद कर जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के दिखाता हूँ, कुछ वीडियोज़ मेरे हैं जो कि सर्च बार में मैं शो करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बीच में एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने YouTube चैनल के लिए कोई भी टॉपिक किस तरह से सजेशन कर सकते हैं, तो मैं उसका सर्च करता हूँ, हाउ टू फिंड यूट्यूब टॉपिक। तो देखिए, मैंने ये यहाँ पे परसों वीडियो बनाई थी, मैं हाउ टू फिंड यूट्यूब टॉपिक करके मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी जो कि बड़े यूट्यूबर हैं, इन सभी की वीडियोस आ रही है, तो यहाँ पे आपको हमारी वीडियो नहीं दिख रही होगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो में अभी उतने व्यूज़ नहीं है कि एकदम मतलब ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर मेरी वीडियो आए, हाँ, लेकिन वहाँ पे आप नीचे देखोगे तो देखिए फिर भी नीचे यहाँ पे मेरी वीडियो शो हो रही है, इसके आसपास आपको जो भी वीडियो दिख रही होगी इनके अच्छे खासे व्यूज़ हैं, किसी के मतलब 50-60 हज़ार है, किसी के 70-80 हज़ार है, किसी के 1 लाख है, और उनके बीच में मेरी वीडियो भी आ रही है। और जैसे देखिए, आपने यहाँ पे देखा मेरी वीडियो आ रही है, वहीं पे मैं आपको एक वीडियो और सर्च करके दिखाता हूँ, हाउ टू वायरल वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक और सर्च किया, हाउ टू वायरल ऑन यूट्यूब वीडियो ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे भी देखिए मेरी वीडियो उतने ऊपर सर्च में नहीं आती, थोड़ी बहुत नीचे आती है, तो देखिए यहाँ पे भी नीचे आ रही है। दोस्तों, ये इसलिए डिपेंड होता है, देखिए जब तक कि आपकी वीडियो, कोई भी बंदा जो आपके सामने, जिसको भी आपने वीडियो सेट किया, यूट्यूब में डाला, जिसने वो प्ले किया, अगर वो बंदा जब तक आपकी वीडियो पूरी की पूरी देखेगा, तो आपकी वीडियो ऊपर रैंक करते रहेगी। और जैसे जैसे लोग आपकी वीडियो आधा देखेंगे, फिर थोड़ा और कम देखेंगे, फिर और कम देखेंगे, तो इससे आपकी वीडियो की रैंकिंग कम होने लगती है और आपके वीडियो ट्रेंड से धीरे 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 पीछे होने लग जाता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने भी इसको 2 दिन हुए डाले हुए, अब देखते हैं धीरे धीरे आगे ये वीडियो रैंक करेगी, बट अभी इतना है कि मेरी वीडियो सर्च में आ जाती है। तो जैसे कि वहीं पे मैं आपको एक वीडियो और करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने परसों बीच में रियाज और अंकित के कंट्रोवर्सी पे बनाया था, तो यहाँ पे देखिए मैंने रियाज कंट्रोवर्सी लिखा है, तो ये रियाज कंट्रोवर्सी डालता हूँ तो यहाँ पे 3रे नंबर पे मेरी वीडियो आ जाती है। तो अब जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको 3 वीडियो अपनी सर्च में दिखाया, कि और वीडियो भी हैं बहुत सारी जो मेरी सर्च में आ जाती है, बट मैं आपको इसका रियल एग्जांपल बताता हूँ कि ये सर्च में कैसे आती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि आप टैग लगाइए, टाइटल लगाइए, अच्छा लंबा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए, बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया और जहाँ तक कि मैं अपनी वीडियोज़ को सर्च करता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ जानने की कि आखिर ये कौन सी चीज़ से आ रही है, चाहे टैग से आ रही है, टाइटल से आ रही है, डिस्क्रिप्शन से, तो मेरे को एक ही चीज़ लगा, मेरी जितनी वीडियो सर्च में आ रही है सभी के सभी ओनली ऑल टाइटल की वजह से, ना ही इसमें मेरा टैग का कोई उतना वो है, ना ही डिस्क्रिप्शन का, सिर्फ टाइटल। तो यार देखिए, जितनी भी वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सर्च में आ रही है, जो भी मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है, देखिए इसमें रियाज मैंने क्या लिखा है, रियाज कौर रिकॉर्डिंग एक्सपोज, टिकटॉक स्टार रियाज एक्सपोज, कंट्रोवर्सी अंकित गुरुजी, तो इसी में से देखिए मेरे कुछ वर्ड इसमें मैच हो जाते हैं, जैसे रियाज कंट्रोवर्सी, तो ये दोनों के दोनों वर्ड यहाँ पे भी मेरे रियाज एक्सपोज कंट्रोवर्सी। तो देखिए
ये वाला वर्ड मेरा यहाँ भी यूज़ है जिसकी वजह से सर्च पे आता है। तो आप बोलोगे यार कि ये तो आपने अपने नीचे टैग में भी लिखा होगा डिस्क्रिप्शन पे, बट यार मैं वहाँ पे इतना फोकस नहीं करता क्योंकि मैं कई वीडियोस में ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। जब भी मैं करता हूँ तो अपने टाइटल पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। यहीं मेरी एक वीडियो और थी जो कि थी यूट्यूब टॉपिक वाली की, अपने यूट्यूब वीडियो को किस तरह मतलब टॉपिक आप ट्रेंडिंग टॉपिक किस तरह सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो को भी देखिए। अभी मैं आपको इसका टाइटल और ऊपर का टाइटल मैच करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड यूट्यूब टॉपिक, तो यहाँ पे देखिए मैंने भी उसमें यही सर्च किया है हाउ टू फाइंड। देखिए हाउ टू फाइंड, जैसे बीच में ट्रेंडिंग टॉपिक और यूट्यूब आ जाता है, लेकिन जैसे आप ट्रेंडिंग को हटा देते हैं तो यूट्यूब टॉपिक। तो यहाँ से जो छोटे छोटे आपके वर्ड होते हैं ये सारे मैच हो जाते हैं, इसी की वजह से आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है। तो कभी भी आप अपनी वीडियो अगर अपलोड करते तो एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए, कभी भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए अपनी कोई वीडियो के साथ। उसका टाइटल आप थोड़ा सोच समझ के कुछ इस तरह से दीजिए जो कि हर वर्ड सर्चिंग में आ जाए, मतलब उसके जो वर्ड होते हैं वो वर्ड कुछ इस टाइप के डालिए जो कि सर्च में भी वो वर्ड आ जाए। तो यार आशा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था यार, आपको समझाना था कि आप किस तरह से अपनी वीडियो को सर्च बार में ला सकते हैं यूट्यूब के। तो आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।